सुप्रभात बच्चों, मैं वीरेंद्र पांडे, ज्ञान ज्योति पब्लिक स्कूल लोकसागर। आज मैं वर्ग 10 के बच्चों के लिए काव्य खंड का पहला पाठ लेकर आया हूं। काव्य खंड का पहला पाठ सूरदास के पद है। तो पाठ में प्रवेश करने से पहले, पढ़ाने पाठ को शुरू करने से पहले कवि का परिचय देना मैं जरूरी समझता हूँ, क्योंकि 10 क्लास के बच्चों के लिए कवि का परिचय जानना जरूरी है, उसमें से भी प्रश्न आते हैं। तो सबसे पहले मैं कवि का परिचय दे देना चाहता हूँ। सूरदास के पद के रचयिता सूरदास हैं। सूरदास भक्ति काल के कवि थे और भक्ति काल के कवियों में ये साकार ब्रह्म के उपासक थे। भक्ति काल के कवि दो भागों में बटे हुए थे, दो विचारधाराओं में बटे हुए थे। एक साकार ब्रह्म के उपासक थे, एक निराकार ब्रह्म के उपासक थे, एक सगुण ब्रह्म के उपासक थे और एक निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे। तो सूरदास सगुण ब्रह्म के, साकार ब्रह्म के उपासक थे। तुलसीदास साकार ब्रह्म के उपासक थे, मीरा साकार ब्रह्म के उपासक थी और कबीर केशव कबीर और जायसी जो थे वो निराकार ब्रह्म के उपासक थे, निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे। उसमें भी भक्तिकाल के कवि जो धर्म में बटे हुए थे, तो एक का मानना था कि ईश्वर की प्राप्ति ज्ञान से हो सकती है, दूसरे का मानना था कि ज्ञान से नहीं प्रेम से ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। तो सूरदास प्रेम मार्गी थे, कबीरदास ज्ञान मार्गी थे। इनका कहना था कि प्रेम से ही भक्ति करने पर ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन और जो कवि थे जैसे सूरदास थे या जैसी थे, उनका मानना था कि ज्ञान के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। तो सूरदास प्रेम मार्गी थे, ज्ञान मार्गी नहीं थे, साकार ब्रह्म के उपासक थे और इसलिए इन्होंने अपने कविताओं में कृष्ण के साकार रूप का वर्णन किया है। अरे सूरदास के पद में सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि सूरदास का जन्म कहाँ हुआ था। सूरदास का जन्म सन 1498 ईस्वी में हुआ था। मैंने हिंदी में लिखा है 1498, अंग्रेजी में मैं लिख देता हूँ 1498, हिंदी में लिखा हुआ है 1498 में हुआ था। उनका जन्म कहाँ हुआ था, जन्म स्थान किस का नाम था, इस जन्म स्थान के बारे में विद्वानों का दो मत है। एक मत का मानना है कि उनका जन्म रुनकता या रेणुका नामक गांव में हुआ था, जो मथुरा आगरा मार्ग पर स्थित है। दूसरे मत का मानना था कि उनका जन्म दिल्ली के पास सीही नामक गांव में हुआ था, एक शाश्वत ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म हुआ था, दूसरे मत का मानना था। उनके पिता का नाम रामदास था और उनके गुरु का नाम वल्लभाचार्य था। उनकी मृत्यु सन 1583 ईस्वी, इसको हिंदी में लिखे हैं, अंग्रेजी में लिख जाते हैं, 1583 ईस्वी में हुआ था। उनकी मुख्य रचनाएं जो उपलब्ध हैं, कुछ रचनाएं उपलब्ध नहीं हैं, जो उपलब्ध हैं उनके बारे में मैं बताना चाहता हूँ। मुख्य रचनाएं हैं सुरसागर, सुर सावली, साहित्य लहरी, नम नल दमयंती। और उन्होंने अपने ग्रंथों की रचना ब्रज भाषा में किया था। इनकी भाषा, उनके भाषाओं में अक्सर जो रस पाया जाता है वो है सिंगारस, वात्सल्य रस और शांत रस। तो विद्वानों का यह मानना है, कुछ विद्वानों का मानना है कि वो जन्मजात अंधे थे, कुछ लोगों का मानना है कि वो जन्मजात अंधे नहीं थे, इसलिए कि कृष्ण के रूप का जो उन्होंने वर्णन किया है वो कोई देखकर ही वर्णन कर सकता है।
लोग एक विद्वानों का एक पक्ष जो है ये मानता है कि वो देखकर लिखे हैं, लेकिन दूसरे मत का विचार है कि नहीं, वो जन्म से अंधे थे और कृष्ण की कृपा थी उन पर, जो बिना देखे ही कृष्ण के रूप और कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किए हैं। अब पाठ परिचय में हम आते हैं कि सूरदास का जो पद है वो कहाँ से लिया गया है। सूरदास का पद जो है उनकी रचना सुरसागर से लिया गया है। सुरसागर में एक भाग है भ्रमर गीत, तो सुरसागर के भ्रमर गीत से लिया गया है। प्रसंग क्या है कि कृष्ण जो हैं वो ब्रज से मथुरा चले गए हैं। उनके मथुरा जाने के कारण गोपियां जो हैं उनके वियोग में पागल सी हो गई हैं। कृष्ण इस बात को जानते हैं कि हाँ बिरह वेदना में गोपियां जो हैं वो जल रही हैं, तो अपने मित्र उद्धव को गोपियों को समझाने के लिए भेजते हैं। तो उद्धव जो थे वो भी प्रेम मार्ग नहीं थे, वो ज्ञान मार्गी थे, योग और ज्ञान में विश्वास करते थे। वो ये विश्वास के साथ गए हैं कि मैं जाऊंगा और गोपियों को समझाऊंगा तो गोपियां मान जाएंगी और कृष्ण की जो विरह में जल रही है उसको वो त्याग देंगी और ईश्वर को प्राप्त करने के लिए ज्ञान को अपनाएंगी। तो जब उद्धव जो हैं गोपियों के पास जाते हैं और उन्हें समझा रहे हैं, गोपियों को समझा रहे हैं योग और वैराग्य के बारे में, ज्ञान के बारे में गोपियों को उपदेश दे रहे हैं, तभी क्या होता है कि एक भांवरा आ जाता है। तो गोपियां जो हैं उद्धव के प्रश्नों का, उद्धव के विचारों का जवाब देती हैं, तो उस समय भांवरे को इंगित करती हैं। भांवरे को इंगित करके ही उद्धव को जवाब देती हैं, इसलिए इसका नाम भ्रमर गीत पड़ गया है। गोपियां जो हैं व्यंग करती हैं, कटाक्ष करती हैं, उद्धव पर कटाक्ष करती हैं कि आप को कृष्ण से प्रेम नहीं है, आप कृष्ण के प्रेम में पगे हुए नहीं हैं, इसलिए आप योग का संदेश लेकर आए हैं, आपको प्रेम की परिभाषा मालूम नहीं है, प्रेम क्या है, और इसलिए आप जो हैं वो हम लोगों के पास ऐसा संदेश लेकर के आए हैं। और भौरे को इंगित करके उद्धव को जवाब दे रही है, इसलिए इसका नाम पड़ गया है भ्रमर गीत। धन्यवाद, अगले दिन।